यार आप किसी की जान बचाना चाहते हो ना, तो अपने लाइफ के 7 मिनट इस वीडियो को देना और इस वीडियो को एंड तक देखना, बस 7 मिनट। हाँ यार देख, अरे वो घर के अंदर ही देखना। अरे अरे वो, अरे देखो यार, रुक यार, अंकल का फोन आया, समझ ले। हाँ हेलो अंकल, बोलिए ना। हाँ सिमंत बेटा, कैसे हो? कुछ नहीं, ठीक है, अपना नॉर्मल शेड्यूल चले। बोले हाँ वही बेटा, बस अभी ये 12th के रिजल्ट का न्यूज़ सुना बेटा मैंने, तो तुम्हारी याद आ गई बस। तो बेटा पढ़ाई की थी ना अच्छे से बेटा तुमने? हाँ की थी ना अंकल, क्योंकि हमें कुछ भी करके 75% से ज्यादा लाना ही है। मिल जाएंगे अंकल, कुछ नहीं, मिल जाएंगे। हमें डॉक्टर बनना है बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज से। तुम अपनी डिग्री हासिल करोगे, ठीक है? हाँ अंकल, ठीक है, चलो। हाँ हाँ अंकल, रखता हूँ। हाँ। अरे बेटा। हाँ बोलिए ना पापा। क्या हो गया, बहुत उदास दिख रहे हो? कुछ नहीं है, ऐसा रिजल्ट है ना तो थोड़ा सा टेंशन आ रहा था। मैं भी तुमसे अभी वही बात करने आया था बेटा। हाँ बोलिए पापा। बेटा वो देखो, हमने बहुत बड़े सपने तुम्हारे लिए देखे हैं। हाँ? हमारे बहुत मेहनत और पैसे दोनों लगे हैं उसके पीछे। बस तुम्हें एक कामयाब इंसान की तरह देखना चाहते हैं बेटा। देखेंगे ना। अच्छे परसेंट तो लाओगे ना बेटा? हाँ पर। डॉक्टर बनना है हमें, ठीक है? ठीक है, चलो आराम करो। हाँ न्यूज़ देखी अभी? हाँ वो रिजल्ट की ना आपने? हाँ। क्या यार, रिजल्ट का न्यूज़ आने के पहले रिलेटिव्स का और डैड का तो एक्सपेक्टेशन चालू हो गया किसी। हाँ ना यार, घर वाले बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। क्या करें? मेरे तो घर वाले बोल रहे हैं अच्छे मार्क्स नहीं आए तो एजुकेशन ही थमवा देंगे मेरा। और मेरे तो अभी से डिसाइड कर लिया कि बेटा तो डॉक्टर ही बनेगा अपना। हमें तो कोई पूछता ही नहीं, हमें क्या बनना है। मुझे आजकल सिमंत के रिजल्ट को लेकर थोड़ा सा डर लगने लगा है, क्योंकि वो उसके रिजल्ट का बहुत टेंशन ले रहा है। बस इसी बात का डर है कि वो अपने साथ कुछ उल्टा सीधा ना कर दे। क्या हुआ अगर उसके 12th में मार्क्स कमाएंगे तो? बहुत कुछ है करने के लिए 12th के बाद। अरे आखिर हमारा बेटा है वो, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। पढ़ाई की थी ना अच्छे से बेटा तुमने? आईआईटी। हमें कुछ भी करके 75% से ज्यादा लाना ही है। जेईई। हमें डॉक्टर बनना है। नीट। बेटा वो देखो, हमने बहुत बड़े सपने तुम्हारे लिए देखे हैं। सीटी। हमारे बहुत मेहनत और पैसे दोनों लगे हैं उसके पीछे। 75% अच्छे परसेंट तो लाओगे ना बेटा? 85% डॉक्टर बनना है हमें, ठीक है? घर वाले बहुत प्रेशर डाल रहे हैं। डॉक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, इंजीनियर, एनडीए, हमें तो कोई पूछता ही नहीं कि हमें क्या बनना है। लॉयर, एमबीबीएस, बीएएमएस, सर्जन, यूपीएससी, एमपीएससी, गवर्नमेंट की जॉब। बात का डर है कि वो अपने साथ कुछ उल्टा सीधा ना करे। क्या हुआ अगर उसके 12th में मार्क्स कमाएंगे? बहुत कुछ है करने के लिए 12th के बाद। अरे आखिर हमारा बेटा है वो, कुछ ना कुछ तो कर ही लेगा। काश ये हम सबके पेरेंट्स ने एग्जाम के रिजल्ट के बाद नहीं, एग्जाम्स के रिजल्ट के पहले कहा होता।
अगर अभी भी जाके गूगल पे तुम सर्च करोगे ना इंडिया में हर दिन कितने स्टूडेंट सुसाइड करते हैं, तो वहाँ पे तुम्हें मिलेगा कि इंडिया में एवरी आवर एक ना एक बच्चा तो सुसाइड करता ही है। आई मीन दिन का ऑलमोस्ट 24 to 28 स्टूडेंट्स एवरी डे सुसाइड करते हैं। अभी जब तुम ये वीडियो देख रहे हो तभी भी शायद एक बच्चे ने सुसाइड किया होगा। सुसाइड का भी ऑप्शन होता नहीं है यार हमारे लाइफ में बहुत कुछ आगे करने के लिए। आई मीन पता है कि पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस होते हैं, जो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं है, जो IIT में नहीं है, वो क्या जी नहीं रहे, वो क्या कमा नहीं रहे, सब चलता है बॉस। लेकिन खुद पे इतना प्रेशर मत डालो कि सुसाइड करने की नौबत आए। सुसाइड कभी करना ही नहीं चाहिए यार, ये सुसाइड वर्ड भी नहीं होना चाहिए अपने लाइफ में। जब तुम सुसाइड का सोच रहे होगे ना, सिर्फ इतना याद रखो किसी और की कंडीशन तुमसे भी बदतर है। क्या तुम चाहते हो कि जो तुम्हें सपोर्ट चाहिए वो उसे मिले? और ये वीडियो मैंने बस बच्चों के लिए नहीं बनाया यार, पेरेंट्स और रिलेटिव्स को भी ये समझना चाहिए कि यार बच्चों पे अभी बहुत प्रेशर आ चुका है यार। ऊपर से उनका क्लास का अलग से टेंशन, कॉलेज का अलग से टेंशन, एग्जाम्स का अलग से टेंशन, स्टडीज का अलग से टेंशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का अलग से टेंशन, बहुत प्रेशर होता है यार पहले से। और ऊपर से अगर आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे ना, तो फिर हमें कौन सपोर्ट करेगा? अभी बहुत से पेरेंट्स ऐसे हैं जिनको ये सब पता है, वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत से बच्चों के पेरेंट्स हैं जो उन्हें सपोर्ट नहीं करते। और प्लीज़ प्लीज़ आपने ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो भी चलेगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन यार प्लीज़ प्लीज़ ये वीडियो शेयर करना। हर एक बच्चे से शेयर करना जिसका अभी रिजल्ट है, हर एक बच्चे से शेयर करना जो तुम्हें लगता है टेंथ है, हर एक बच्चे से शेयर करना जो तुम्हारे कॉन्टैक्ट लिस्ट में है, क्योंकि बता नहीं यार कब कोई चला जाए। अगर तुम्हारे शेयर करने से किसी की जान बच रही है ना बॉस, तो प्लीज़ तुमसे जितना शेयर हो सके उतना शेयर कर दो प्लीज़। अपना ख्याल रखें और अपना करियर ब्राइटेस्ट से भी ब्राइटेस्ट करिए। हैव अ ग्रेट डे एंड अ ग्रेट लाइफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम। यस।